क्या करूँ यार, कर्जा इतना यार, हो चुका सच है में ना। पहले मेरी बात, मेरी बात सुन पहले। यार तुमने मेरी चेन में थी। आई ये बात मत करिए। हद है यार, छोड़ो यार। मैं क्या कह रही हूँ, तुम्हें शर्म आती है हिम्मत कैसे मेरी चेन सेल करने की? तुमने मेरे से पूछा, मेरे से पूछा तुमने? निकलने की खड़ी थी ऐसे की हमारे यहाँ पे गोल्ड लोन मिलता है। Hey guys, what's up? कैसे हो आप सब? I hope आप सब मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो guys, आपका भाई फिर से एक और प्रैंक लेके आया है जो कि होने वाला है, क्योंकि यार मेरे पास, मैंने ना किसी से कर्जा ले लिया था, ज़्यादा नहीं था, 500 रुपये लिए थे। अब यार कर्जा 1 रुपये का हो, 1 लाख का हो, कर्जा तो कर्जा होता है। तो मैंने सोचा क्यों ना कर्जे के ऊपर एक प्रैंक बनाया जाए। सो वीडियो को ना बिल्कुल भी स्किप मत करना, बहुत मजा आने वाला है। और अपने भाई पर ऐसे ही प्यार एंड सपोर्ट बनाए रखना। तहे दिल से शुक्रिया आपके लिए, थैंक यू सो मच। कैसे क्या बैठे हुए, चलना नहीं दी के घर? चलेंगे। कब चलोगे? तू कहाँ जा रही है? कहाँ जा रही है क्या? दी के घर जाना है? किस सोच में डूबे हुए हो? मैं भी सोच, मैं यहाँ पे रेडी होके खड़ी हुई हूँ, अपना मजे से ले बैठे हुए हो तुम। क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ। तो चलना नहीं है क्या? तो बैठ जाना। तू कहाँ जा रही है? बैठ तो सी, 2 मिनट बैठ तो जाएगा, कोई बात भी कर लेगा मेरे से। यार मेरा सब कुछ रेडी है, बस मुझे अपना गोल्ड डालना है। वो आपके पास है, वो लेने के लिए उनकी मेरी चेन है और मेरी रिंग है। अब वैसे तो वो यूं ही रखी रह जाती है, इन ओकेशनों पे नहीं पहनूंगी तो फिर कब पहनूंगी? गॉड सुनो, थैंक यू बेबी। अब सुंदरता में 4 चांद और लग जाएंगे, मेरी रिंग और जब मैं चेन पहनूंगी ना गोल्ड की। अब जल्दी से दे दो मुझे। हाँ, हाँ, और जल्दी से रेडी हो जाओ, बैठो मत, कल तीज है पता है ना? तीज का सामान देना दीदी के यहाँ पे जाके। मुझे पता है तीज वीज का। तो फिर अच्छा तू ये बता, तू इतने कंफर्टेबल होके कैसे बैठे हो आप? और कैसे लेट जाओ क्या? बात तो सही है यार। नोनो लेट हो रहे हैं हम, पता है ट्रैफिक मिलेगा बहुत। मेट्रो से नहीं जाना मुझे, मैं इतनी रेडी शेडी होके मेट्रो से थोड़े ना धक्के खाती फिरूंगी। पता कितना रश होता है आजकल मेट्रो में, रश तो बहुत बुरा हाल है मेट्रो में। रश का भी देखा जाए फैन वैन ज्यादा अच्छे लगते हैं। क्या बोल रहे हो, मतलब कुछ भी? तू कह रही है? अरे यार तुम खड़े हो जल्दी, मेरे को रेडी होने दो, मेरी गोल्ड की चेन दो, रिंग दो मुझे। मैंने कहा तेरे हाथ बांध रखे पीछे। देखो हाथ में कुछ भी नहीं है, ये हाथ में ये रिंग, उंगलियां हैं, उंगलियों में कुछ नहीं है, मेरी रिंग दे दो गोल्ड की। मेरी देखो गोल्ड की रिंग, बस सोने वाने की चीज पहन के जाएगी, लूट ले कोई गले में हाथ मार। तो उनको घर पे रख के उनकी आरती उतार लो। मैं आरती की बात नहीं है यार, अब आरती मतलब ऐसे तो कोई मतलब लोग फिर खरीदते क्यों है गोल्ड, मुझे समझ में नहीं आता। उनको पहन के नहीं जा सकते कहीं पे? तो आरती कहना कहाँ से उतरेगी, सेकंड फ्लोर पे रहती है, मैंने कई बार ट्राई कर ली, उतर जा आ ही नहीं रही। रवि साले क्या बकवास कर रहे हो? मैं ही कह रहा हूँ कितने बजे चलना है। हमेशा लड़कियां ही दिखती हैं क्या? अभी चलना है क्या तेरे को? नहीं अगले साल चले जाना, तीज कल है तो? अभी चलना है तेरे को, ये क्या क्वेश्चनिंग होती है? सोने की चीज पहनने का अब जमाना चला गया है। वो अच्छा। पहले स्टील की वो रखी है ना चेन तेरे पास, तो अब कौन सा जमाना आ गया स्टील की चेन पहनने का? ए यार तुम पागल वागल हो गए हो क्या? जब तुम्हारे पास मेरा गोल्ड रखा तो मेरी चेन दो आगे से, ना तुम्हारे पास नहीं रखवाऊंगी। इतना वो कर रहे हो यार, हद है। क्या कह रहे हो? कुछ मैं कह रहा हूँ चेन कह रही है चेन यार, मेरी गोल्ड की चेन और मेरी रिंग। अबे साले रिंग भी गोल्ड की थी क्या? मुझे ना गुस्सा मत दिलवाओ। मैं मोटी सुन, ये बता फिर जाएगी, आएंगे किस टाइम हम? निकले है नहीं घर से आने का, पहले तुम्हें टेंशन हो गई है। आ जाएंगे, क्या दिक्कत है? दिल्ली है, रात भी बेरात आ जाएगी, कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है। तुम हो ना साथ में, अकेले तो आ नहीं रही हूँ मैं। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। तुमसे बात कर रही हूँ मैं, क्या हो गया यार? तुम्हें चलना नहीं है क्या? तुम्हारा मूड नहीं लग रहा है मुझे चलने वाला। मैं चलता, मेरा ना मूड खराब मत करो, पहले बताओ क्या हुआ है। कुछ भी नहीं हुआ। क्या हुआ? नहीं ऐसे तो नहीं बैठते हो तुम, अपसेट किस बात पे अपसेट हो? पता नहीं, वो मेरे साथ ना कुछ थोड़ा सा इशू हो गया है। क्या इशू हो गया आपके साथ यार? ओह नो, मेरे को ना बाथरूम में पथरी आ गई, निकली थी थोड़ी देर पहले, तो
अच्छा, तो तो वो बिल्कुल ऐसी थी जैसे पत्थर होता है। अब उसी तो पत्थर ही तो पत्थर जैसी होती है ना। हाँ मैं उसी को सोच के बैठा हूँ। अंदर पत्थर मैंने खाया भी नहीं कभी यार, पत्थर कहाँ से चला गया अंदर। कुछ ना कुछ वो टेस्ट होता है इसका, डॉक्टर बताएंगे कि ये पत्थरी किस एक्चुअली फूड से ही होता है। हाँ। लेकिन आप जैसे प्रोटीन ज्यादा इनटेक कर रहे हो ना, तो उसकी वजह से हो सकता है हो रही हो आपको। स्टार्ट करो। क्या नाम है उसका, मैंने ना बिंजो ऐप नहीं है उसमें 30,000 रुपए मतलब जीतने ही वाला था, लास्ट के एंड मोमेंट पे ना नेट भाग गया, 30,000 रुपए मेरे माइनस में चले गए। अब उसके बाद क्या हुआ, फिर मैंने सोचा, मैंने कहा यार वो 30,000 माइनस में चले गए तो अब कैसे ना कैसे करके 30,000 तो वापस लाने यार। तो फिर मैंने क्या करा, रात को फिर मैंने अपने दोस्त से कह ले या फिर कुछ भी बताऊंगा वो तेरे को आगे, तो मैंने फिर 30,000 बोलना क्या चाहते हो। अबे मैं ये कह रहा हूँ, सीधी सीधी बात बोलो ना। सीधी बता रहा हूँ, सीधी खड़ी हो यहाँ पे, सीधी बता रहा हूँ। बताओ क्या हुआ। वो ना तेरी पीतल की चेन नहीं थी, पीतल की नहीं थी, वो गोल्ड की थी, सोने की थी। हाँ हाँ सोने की, उसके खबरदार उसको पीतल बोला तुमने तो। सोने की कोने की कहीं की भी थी तो वो चेन ना यू ही पड़ी हुई थी, मैंने क्या रद्दी सी में थी। तो पहनती थी उसको, यूं तो पड़ी थी वो। यार पागल, पहले बताओ तुमने करा क्या है चेन के साथ। मैंने ना वो गोल्ड के वाले के वहाँ पे बेच दी। सुन ले पहले मेरी बात, तेरी बात सुन पहले। यार तुमने मेरी चेन बेच दी, ये बात मत करिए। हद है यार, बेची नहीं है मैंने, मैंने सिर्फ वो उनको कुछ दिन के लिए बोला है कि तुम भैया रख लो, और वो मेरे को रखने के ही पैसे दे दिए उन्होंने, पता कह रहे कि आप सब हमें दे दो। और यार तुमने मेरी चेन बेच दी, मतलब तुम कैसे कर सकते हो यार ये सब चीजें। मेरे पापा ने कैसे कैसे मेरे लिए चेन बनवा के दिया, तुमने आज तक मुझे डायमंड की रिंग तक नहीं दी। मेरे घर वालों ने कैसे कैसे, और मेरी रिंग। ओह नो, बता तो रहा पहले पूरी बात तो खत्म होने दे मेरी। कैसे कैसे किया तेरे पापा ने, ऐसी दी थी मेरे को हाथ में ये ले। मैं ये कह रहा हूँ तो ना, कुछ नहीं पता, मेरी चेन ला के दो मुझे, मेरी चेन ला के दो मुझे। तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरी चेन सेल करने की, तुमने मेरे से पूछा, मेरे से पूछा तुमने, वो मेरी चीज थी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सेल करने की, पहले तो ये बताओ मुझे। पहले तुम नीचे बैठ। नहीं मैं नहीं बैठूंगी, तुम्हारी हिम्मत कैसे, तुमने मेरे से एक बार भी पूछा। मेरे सर में सफेद बाल देख के खड़ी है। मैं तुमसे क्या बोलूं, गुस्सा मत दिलाओ, मेरी चेन ला कर दो, मुझे नहीं पता कहीं से भी ला कर दो, मेरी चेन ला के दो। चेन की तो बात है ही नहीं इसमें कुछ भी बात। क्यों नहीं है चेन की बात, चेन की ही बात है सारी। कोई बात तो सुन ले, तो चेन भी मैंने दे दी, अब हो गए यार 70,000 रुपए। अब जिसको अच्छा बात, फिर मैंने ना एक बंदे से 1,00,000 रुपए उठाए, ठीक है। अब यार उसके फोन पे फोन आए जा रहे, कई बार कह रहा भाई मेरे पैसे दे दे। अब क्या करो यार, कर्जा इतना यार, हो चुका सच है ना। में तुम हद करते हो, तुमने मतलब कैसे सोच के मेरी चेन फेंक दी यार। मैं तेरा सारा कर्जा उतार दूंगा, तेरा भी और उस बंदे का भी, आकाश का। अब वो आकाश ना कह रहा है कि अगर तू भाई पैसे नहीं देगा तो मैं तेरे को पताल में भेज दूंगा। अबे साले कहाँ पे, पाताल में। तो अब मैंने उससे बोला है भाई देख मैं पैसे, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे मेरी चेन चाहिए तो चाहिए, बता रही हूँ मैं। तुमने मुझे आज तक कुछ दिलवाया नहीं है, जो मेरी खुद की चीज है वो तुमने बेच डाली। तुम कैसे मतलब इतने घटिया कैसे हो सकते हो तुम यार। oh, no. हैं, तुमने मेरे से एक बार बात करनी जरूरी समझी, मैं कोई सॉल्यूशन निकाल देती, तुम्हें पैसों की प्रॉब्लम थी तो मैं कुछ ना कुछ करती यार, तुम्हें गोल्ड बेचने की क्या जरूरत थी मेरा। सॉल्यूशन मैंने खूब ढूंढा, नहीं मिला तेरा। तुमने मेरे से बोला सॉल्यूशन के लिए, कह रही ना लेंस का सॉल्यूशन नहीं मिला मुझे। विंजो पे मैं सोच रहा हूँ 2-2.5 लाख रुपए जीत जाऊंगा मैं आज आज में, ये कान के और क्या कह रहे हो तुम, क्या कह रहे हो तुम, कान के देने के लिए बोल रहा हूँ, कान नहीं बोल रहा तेरे से देने के लिए। कुछ भी मत पहनने दो, ना कानों में, ना नाक में, ना गले में, सब कुछ बेच दो, मुझे भी बेच दो ना, मुझे भी बेच दो। मुझे समझ नहीं थी बात को, जब वो घर में आके चिल्लाएगा वो भाई ब्याज दे दे, पैसे दे दे, फिर कर्जा। तो मतलब तुम मेरी चीजों को बेच बेच के करोगे क्या, मतलब यार हद है, तुम कैसे आदमी हो यार, अपनी वाइफ की चीजें बेच रहे हो यार। कोई प्रॉब्लम है, कुछ है तो मेरे से बोल सकते हो ना।
मैं अगर मुझे प्रॉब्लम लगेगी कि हाँ तुम्हें जेन्युइनली प्रॉब्लम है तो मैं खुद ही उसको सेल कर दूंगी यार, मैं खुद ही गिरवी रख दूंगी कहीं ना कहीं, लेकिन तुम ऐसे बोल तो देते। मैं गया था वहाँ पे, वो बाहर एक लड़की खड़ी थी ऐसे कि हमारे यहाँ पे गोल्ड लोन मिलता है और फलाना ढिकड़ा, वो लड़की मैं तो उस लड़की के बहकावे में आ गए, वो ऐसा करके खड़ी थी कि आ जाओ। मैं अंदर जैसे गया मुझे बर्बाद उन्होंने ना फिर... यार मेरे पास कुछ भी नहीं था है? मेरे बुरे टाइम के लिए रखा हुआ था मैंने, कभी इससे बुरा क्या टाइम आएगा, नोबडी, ये सबसे बुरा टाइम है वो बिंजो वाले। मैंने बुरे टाइम के लिए रखा था कि कभी मेरे ऊपर कोई बिपताएगी, तुम्हारे ऊपर कुछ प्रॉब्लम होएगी तो देखा जाएगा, लेकिन तुमने मेरे से पूछना जरूरी नहीं समझा यार। तुम्हें प्रॉब्लम थी तो मेरे से बोल देते, मैं पैसे कहीं ना कहीं से अरेंज कर देती। कहाँ से अरेंज करती तू? मैं अपने घर वालों से मांग के कुछ भी करती। तूने मैरिज तो लव करी है तो पैसे अरेंज कर देती? वाह भाई वाह, ए ऊपर वाले बकवास बकवास मत करो, मेरा गोल्ड लेकर आओ, जो खड़े हो मेरे गोल्ड लेकर आओ। खड़े हो के गोल्ड आ जाता है क्या खड़े होने से? जैसे दिया था ना वैसे लेकर आओ, वरना सच बता रही हूँ मैं आतंक मचा दूंगी। आतंक? अपने घर में बोल दूंगी तुमने क्या किया। तुम कांड? मैं सांड जो कांड करूंगा, क्या बोलती रहती यार तुम। अच्छा शर्म रुक जा, छोड़ो यार। मैं क्या कह रही हूँ, तुम्हें शर्म आती है? तुम्हें शर्म आती है? तुम पहले मुझे शर्म आती है, मुझे दोपहर में शर्म आती है, वो रात को तो कहीं चली जाती है दोपहर में। तुम निकलो यहाँ से, निकलो, मुझे नहीं जाना कहीं पे भी, पहले मेरा गोल्ड लेकर आओ तब जाऊंगी मैं कहीं पे, जाओ। अच्छा तुझे ये टेंशन नहीं है कि मेरे को तेरे हस्बैंड पे कर्जा हो रहा है, उसकी तरफ कोई टेंशन नहीं? मेरे को कोई टेंशन नहीं है। क्यों? क्योंकि तुमने मेरे से पूछना जरूरी है, तुम मेरी इंपॉर्टेंस नहीं समझते तो मैं क्यों समझू तुम्हारी प्रॉब्लम्स को। अगर तुम मेरी इंपॉर्टेंस समझते तो तुम मेरे से पूछते कि मेरे साथ ये इशू हो रहा है। तुमने मुझे कुछ नहीं समझा तो मैं तुम्हें क्या समझूंगी। मुझे समझ, स्मार्ट बॉय, बॉडी अच्छी है, फिजिक्स अच्छी है, साइंस अच्छी है, खाना है क्या? एसएसटी अच्छी है, मैथ अच्छी है, फिजिक्स को अचार डालना है क्या? फिजिक्स का पर्दा है क्या? पर्दा है, अब तू पर्दा करने दे ना मुझे, फिर अब मुझे इसी यार तू मतलब तुम्हारी आंखों में बिल्कुल शर्म नहीं है? दिखाना अपनी आंखें, दिखाओ ना, तुम्हें मतलब बिल्कुल नहीं है, तुम्हें मतलब बिल्कुल ये नहीं लग रहा कि मैंने क्या काम करा? आंखों में दिखा तो रहा हूँ, ढंग से तो देखेगी। खड़े हो, मेरे बस की तुमसे बहस करनी है नहीं, खड़े हो यहाँ बैठ, इतनी एनर्जी है मेरे में, हट जाओ यार तुम। खड़े हो यार तुम, हद है यार सच में। मुझे ये बता, तेरे पास कोई और सोने की चीज है? उसको कर्जा पूरा नहीं करना है, कर्जा हो गया मेरे को बहुत, मेरा ना रोम रोम और बार बार। कितने बेशरम आदमी हो ना, कितने बेशरम आदमी हो ना तुम। कितने कितना? मैं ना तुम्हें सच बता रही हूँ, दिमाग मत खराब करो मेरा। तेरी सोने की चेन आई, मेरी चेन दो, पहले मुझे दिखाओ मेरी चेन। बेबी चेन सबको नहीं मिलता है, किसी किसी को मिलता है, रात को हम दोनों को मिलता है, तो पहले तेरे को कहीं और मिलता है। क्या आंच की कसम खा के बोलो तुमने चेन भेज दी मेरी? नहीं भेज, मजाक कर रहा था बेटी, मजाक कर रहा था। पक्का? मेरी कसम खा, सर पे हाथ रख। नहीं भेज, अगर भेज देते तो फिर पता नहीं, मैं नहीं रहती मेरे साथ। क्यों? सोने की चेन ज्यादा अच्छी लगती नहीं, वो मेरे साथ चेन अच्छा नहीं लगता, सोने की चेन अच्छी लगती।